नमस्कार, आपका स्वागत है। फिर से आज बात करते हैं राजनीति की और आज फिर से बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के इलेक्शन नतीजों के बाद आपने अभी देखा कि बंगाल में जबरदस्त पोस्ट पोल वायलेंस चल रहा है। चुनाव के बाद की नतीजों के बाद की हिंसा की घटनाएं रोज हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। इस बारे में जब आप ट्विटर पर देखेंगे या आम लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे तो बीजेपी के सारे सपोर्टर्स इस बात से बड़े आहत है कि बीजेपी के सपोर्टर्स को मारा जा रहा है और सब लोग मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो आज हम दो विषय पर बात करेंगे, क्या बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है एक, और दूसरा क्यों ममता बनर्जी के लिए यह हिंसा का खेल रोकना उनके खुद के लिए फायदेमंद है। तो शुरू करते हैं, पहले बीजेपी बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा सकती। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कारण है कि ज्यों ही नरेंद्र मोदी की सरकार वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाएगी, 8 घंटे के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी अर्जेंट हियरिंग करेगा और उस राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर देगा। ये बड़ी विडंबना है कि ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन जायज हो, लेकिन ये संभव नहीं है। भारत की कोर्ट इसको नहीं चलाएगी और इमीडिएटली तुरंत प्रभाव से उन्हें निरस्त कर देगी। आप सोचिए उसका आउटकम क्या होगा, 8 घंटे 10 घंटे का राष्ट्रपति शासन और उसके बाद पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। पूरे देश के लिबरल्स, पत्रकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखने वाले भारत के पत्रकार और भारत विरोधी पत्रकार हल्ला मचाना शुरू कर देंगे कि नरेंद्र मोदी सत्ता की चाहत इतनी ज्यादा है कि उन्होंने इलेक्शन हारने के बाद भी पिछले रास्ते से राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार में रहना चाहा। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बैड इमेज, बैड प्रेस होगी, पिछले की बीजेपी की जबरदस्त आलोचना होगी, सारा टॉपिक चेंज हो जाएगा और नैरेटिव बदल जाएगा। अगर आलोचनाओं के बावजूद भी या नैरेटिव बदलने के बावजूद भी अगर राष्ट्रपति शासन रह सकता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन भी नहीं रहेगा। सिचुएशन ये होने वाली है कि न खुदा मिला न मिसाले सनम, और इसीलिए राष्ट्रपति शासन जो भी चाहते हैं सोच ले, ये संभव नहीं है। बीजेपी चाहे कितनी भी तमन्ना करे, कितनी भी इच्छा करे कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन उसका लगाना असंभव है इन परिस्थितियों को देखकर। तो हिंसा कैसे रुकेगी? ये हिंसा सिर्फ दो तरीके से रुक सकती है। एक, कोर्ट स्वयं सुओमोटो, स्वसंज्ञान लेकर इस मामले को हियरिंग करे, सुनवाई करे और तुरंत हिंसा बंद करवाने की कार्रवाई करे, सरकार को निर्देश दे या फिर राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे। अगर कोर्ट ऐसा कुछ करती है तो हिंसा रुकना संभव है। और दूसरा कि ममता बनर्जी स्वयं तुरंत कड़क कार्रवाई करे और इस हिंसा को रोके, तो ये संभव है। कोर्ट के बिना या ममता बनर्जी के चाहे बिना उस हिंसा का रुकना बहुत मुश्किल है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के लिए क्यों ये हिंसा रुकवाना ज्यादा फायदेमंद है। उसका कारण ये है कि इस जबरदस्त जीत के बाद ममता बनर्जी को विपक्ष का नेता माना जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी, जिसने मोदी जी को शिकस्त दे दी है बंगाल में, वो अखिल भारतीय स्तर पर विपक्ष का नेतृत्व नरेंद्र मोदी के सामने कर सकती है। और अगर उनको ये अपनी छवि बनानी है, अगर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं, तो उन्हें ये हिंसा रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इस हिंसा की वजह से उनकी छवि हिंदू विरोधी या हिंसात्मक छवि बनने वाली, और वो छवि उनको राष्ट्रीय चुनाव में कहीं पे भी फायदा नहीं देगी और राष्ट्रीय चुनाव में उनको चुनाव नहीं जितवा सकती। तो उनको अगर अपनी महत्वाकांक्षा रखनी है राष्ट्रीय स्तर की, तो उन्हें हिंसा बंद करवानी पड़ेगी और कठिन कार्यवाही करनी पड़ेगी, चाहे वो उनके अपने कार्यकर्ता या अपने समर्थक क्यों नहीं हो, उन पर कड़ी कार्रवाई करके उस हिंसा को रोकना पड़ेगा। और अगर उन्होंने हिंसा रोकी तभी वो एक अपने आप को एक बड़ा नेता साबित कर सकती है, उसके अलावा इस बात का कोई हल नहीं है। आशा करते हैं ये रक्तपात किसी न किसी तरह से रुक जाए, चाहे वो कोर्ट रोके या ममता बनर्जी। थैंक यू, धन्यवाद।